हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की 15 वीडियो का जो क्रैश कोर्स है उसका पार्ट टू है, और इससे पहले मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। 15 वीडियो रीजनिंग की भी मैंने स्टार्ट कर दिया, उनके भी दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप ये सारी वीडियोज़ देखते रहिए। रात को 10 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक तो देखेंगे जरूर, आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूं, तो लाइक और शेयर तो यार जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं, यानी कि दो रेलवे स्टेशन है ए और बी, बिल्कुल एक एक पॉइंट में आपको समझाता चलूँगा, उनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाता है, जो ए से स्टेशन से जो रेल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की ओर जाता है जाती है, और 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन, अब 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चलेगी, यानी कि जो बी से ए की तरफ को जाएगी वो आधा घंटा लेट चलेगी, और उसकी चाल कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये पूछ लिया गया कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, एक ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी देर बाद मिलेगी, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बी से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। तो आप इसी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए कि जो यहाँ पे बोला गया कि आधा घंटा लेट चलेगी ना ये, तो आपको ये आधे घंटे का गैप खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे भाई, पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 220 किलोमीटर। अब यहाँ पे ए और ए से बी की तरफ जो जाने वाली ट्रेन है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और ये इससे इस वाली ट्रेन से आधा घंटे पहले चलेगी, तो ये आधा घंटा पहले चलेगी, इसका मतलब एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो इसने 220 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर इस ए ट्रेन, ए से बी की तरफ जाने वाली ट्रेन ने कवर कर लिया होगा जब बी वाली ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी। तो आपको इस डिफरेंस को ख़त्म करना है और इस 220 में से 40 को माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बी से ए की तरफ को जाएगी ट्रेन ये आधा घंटा लेट चलेगी, इसका मतलब जो ये आधे घंटे में जितना चलेगी ना उसको हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा कितना, 180 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ को चलती हैं इस तरीके से, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो दोनों की चाल को प्लस करते हैं, ठीक है, और जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों की चाल को माइनस करते हैं, यानी कि दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं। तो अभी दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ को जा रही है तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 100, कितना हो गया, 180 किलोमीटर, यानी कि 180 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे 180 को 180 से भाग कर देंगे, यानी कि एक घंटा लगेगा। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं पर यही बन सकता है कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर, एक घंटा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी कि ये दोनों की दोनों ट्रेन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। अब एक घंटे में ए कितना चलेगी ट्रेन, एक घंटे में 80, यानी कि 80 तो ये चलेगी ही चलेगी एक घंटे में, क्योंकि एक घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है, तो 80 तो ये चलेगी चलेगी, बट ये 40 पहले भी चल चुकी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे बनता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 80 लगा सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 80 तो 80 किलोमीटर तो ये चलेगी चलेगी, प्लस ये 40 किलोमीटर भी चलेगी, क्योंकि ये 40 किलोमीटर आधा घंटा पहले जो चली थी ना उसमें चल चुकी है। तो इसका मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि ए से अगर हम डिस्टेंस देखें, ये 40 तो पहले चल चुकी थी, फिर यहाँ से 80 आगे चलेगी एक घंटे में, तो यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे एक ए से बी तक के, यानी कि जहां पे भी ये मिलेंगे, अगर ए से डिस्टेंस देखी जाएगी तो ये मिलेंगे 120 किलोमीटर की दूरी पे ए से, ठीक है, अगर बी से पूछा जाता तो ये 100 किलोमीटर की दूरी पे मिलते। तो आशा करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कई क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, बताओ उस क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगी, उसका क्रय मूल्य
क्या होगा ये आपको बताना है। आप मुझे ये बताइए, सीपी आपको पता है सभी को कि 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को 10% हानि की उपेक्षा, यानी कि अगर उस वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाए, यानी कि सीपी में से 10 माइनस कर दीजिए, 10% माइनस करेंगे तो कितना 90 में बेचा जाए, ठीक है। 90 बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए। 20% लाभ कब होगा, जब 100 से हम 20 ऊपर कर देंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा ना, तो 100 से 20 ऊपर कर देंगे यानी कि 120 में बेच दें, ठीक है। तो कितना प्राप्त होता है, तो लाभ बेचने पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब हम इसको 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचते हैं तो टोटल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होता है। भाई 10% से तो हानि से निकला, फिर 20% प्रॉफिट पे गया, तो टोटल आपका 30% इंक्रीमेंट हुआ इस 210 रुपये की वजह से। जब हमें 210 रुपये मिले ना, ये अधिक, ये कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10% का तो ये लॉस से बढ़ के पहले 100 पे आया, ठीक है। क्योंकि हम अगर इसे 10% के लॉस पर बेचते हैं तो कितने पे, 90 पे बेचते हैं ना, तो 90 से 120 कितना बढ़ा, 30%, यानी कि 30% बराबर क्या हो जाएगा, 210। भाई समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, 30% बराबर 210 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, सीपी यानी कि कोस्ट प्राइस आपका कितना रहेगा, तो सीपी आपका 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 210 को डिवाइड करना है 30 से और मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 700, यानी कि 700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको यहीं पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x मान लीजिए 30x, और इन दोनों की करेंगे कितना हो जाएगा, 21000 को 30 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 700 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होगा तो 14% लाभ होगा, साइकिल का क्रय मूल्य था। राम ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची, यानी कि 8% लाभ पर बेची हमने, ठीक है। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होगा तो 14% का लाभ होगा, यानी कि 14% का लाभ कब होगा, जब 75% अधिक में बेचा जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि 8% का लाभ और 14% के लाभ में डिफरेंस कितना है, 6% का। तो ये 6% के बराबर क्या हो जाएगा, 75। तो 6% बराबर 75 है, और आपको निकालना क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य था, यानी कि सीपी था कितना। तो सीपी हमारे, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर 100% होता है, तो आपको 6% की वैल्यू पता चल गई, 100% की निकाल लीजिए भाई। देखिए सारे के सारे आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं ना, इसी मेथड से हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं कि सीपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आप बिल्कुल कर ही लेंगे इजिली, 6% की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे 100% की निकालिए तो 75 को 6 से भाग करिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 1250 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे एक्स मानिए तो 6x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, 7500। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7500 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, 1250 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये दो रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका रेलवे से, जो आपका चैप्टर है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन वाला, इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको यहीं पे करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रम 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, वे कितने बजे मिलेंगे। तो जैसे ऊपर मैं आपको बता के आया था बिल्कुल वैसे ही करना है भाई। आर और जो एस है के बीच की दूरी कितनी है, 17.5 किलोमीटर। यहाँ से ये 10 AM पे चलना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ को 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको क्या पता है, डिस्टेंस पता है। जब एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो मैंने क्या बताया था, दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं, दोनों की चाल को प्लस कर लेंगे तो समय निकल के आ जाएगा, बस यही आपको क्वेश्चन में बताना था। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। 17.5, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 175/70। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 175 को 70 से, तो कितना हो जाएगा, 2 सही 35/70, यानी कि 2 सही 1/2 आपका आ जाएगा। 2 सही 1/2 को आप घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा। 1/2 को मिनट में बदलेंगे तो 1/2 की मल्टीप्लाई आप 60 में करिए तो कितना हो जाएगा, 30। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट। तो यानी कि
अगर टाइम पूछा जाए कि किस टाइम तक, तो दोपहर के देखिए 10 बजे चला था, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 बज के 30 मिनट पे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा जो पहला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा मतलब अच्छा लेवल का है। यहाँ पे बोला जा रहा है मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14 बज के 30 मिनट पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चलती, तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। दिल्ली से अब की बार फिर कुछ इसी तरीके से पूछ गया कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो यहाँ पे टाइमिंग जो चलने की है वो अलग अलग है। 14:30 का मतलब है 2:30 पर चली, दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई है, ये चलिए आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चलिए आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अगर मैं इनके बीच की दूरी की बात करूँ तो दूरी आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। दूरी हमें यहाँ पे ये पूरी की पूरी मैं क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी, ये 2:30 पर चलती है, ये 4:30 पर, ठीक है भाई। यहाँ पे बोला गया 16:30, इसका मतलब 4:30 पर चलती है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे ये 2 घंटा लेट चलती है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना ये डिस्टेंस ये वाली ट्रेन कवर करेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जितना ये कवर करेगी, इनके बीच का डिफरेंस 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी मैंने x मानी है, तो x को अगर मैं पूरी की पूरी डिस्टेंस को कवर कराऊँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये x को पूरी डिस्टेंस को मैंने 60 से डिवाइड किया माइनस, फिर मैं इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर कराऊँ इसी डिस्टेंस को x को, तो इनके बीच की जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इनकी दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का ले लेंगे LCM, तो कितना आएगा 240, 4x - 3x हो जाएगा, ठीक है। और इन ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा 480, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है 480, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये 120 का कोई मतलब नहीं है, कभी आप कन्फ्यूज हो, 120 का मतलब है कि ये 2 घंटे में कितना चल चुकी होगी, ये 120 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो ये आपका इसका मतलब है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप जरूर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको वैसे करा चुका हूँ, बट दोबारा से एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पे एक इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ पे बोला 3 संख्याएं हैं 3:4:5 के अनुपात में, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी आपका 5x है और सबसे छोटी आपकी ये हो जाएगी 3x है, इन दोनों के योग जो है वो तीसरी संख्या यानी कि 4x + 52 के बराबर है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5x और 3x किसके बराबर हो जाएगा, 4x + 52 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8x बराबर आपका 4x + 52 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बराबर 52, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 52 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या इसमें तो 3x थी, तो 3 की मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे, x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, बट दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं, इस डब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों की अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो इसको करने का एक छोटी सी ट्रिक है, बस उसको जान लीजिए, अदरवाइज इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं, ठीक है, इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। इनमें से बताना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा हो सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं हो सकता। आपको बस एक ही काम करना है, इन जो ये अनुपात है इनको प्लस करिए, और जो जितने भी शीशे की बात की गई है डब्बे में, कितने शीशे 12, उसको डिवाइड करिए। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो उसका आंसर है, यानी कि वो हो सकता है। अगर कोई भी इन 4 ऑप्शन में से प्लस करने पर इसको डिवाइड नहीं करता है तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता है, वो उनका अनुपात नहीं हो सकता है। तो 2 और 1 3, 3 से 12 कट जाएगा, 3 और 1 4, 4 से भी कट जाएगा 12,
तीन और दो पाँच, पाँच से 12 नहीं कटेगा, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ये कभी भी नहीं बन सकता है। 7 + 5 आपका हो जाएगा 12, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 3:2। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, कोई भी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिक्सर एलिगेशन से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे ए और बी जो है आपका 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 32.40 प्रति रुपीज वाला किलोग्राम वाला चावल, यहाँ पे पूछा जा रहा किस रेशो में मिलाया जाए कि उसको 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सके उसके मिश्रण को। तो यहाँ पे आपको क्या किया जाए, क्या करना है, 30 को बीच में रखना है क्योंकि हमें बनाना क्या है 30। देखिए बीच में कौन सी वैल्यू रखी जाती है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, जो भी हो सकता है, और ऊपर जो ए और दो वैल्यू, जिन दोनों की वैल्यू का मिश्रण बना के वो तीसरी चीज़ को बेचा जाए या फिर तीसरी चीज़ पे कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट कमाया जाए, जैसे भी बोला जाए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बीच में हम वैल्यू रखते हैं वो एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। अगर ये वाली कंडीशन कहीं पे भी सेटिस्फाई हो रही है तो वहीं पे आप एलिगेशन ये मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.20, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.40। यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 से 0 कट कर दी, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो 24 और कितना हो गया 22, ठीक है। तो 24 और 22 को किसी कॉमन नंबर से कट किया जा सकता है, जी बिल्कुल किया जा सकता है। किससे, आपको 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 से कट करेंगे 12 और इसको करेंगे 11, तो 12 और 11 आपका रेशो हो जाएगा। यानी कि ए और बी जो क्वांटिटी है चावलों की, अगर 12:11 के रेशो में मिलाया जाए तो हम उसको 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के हिसाब से बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें बोला गया कि 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल में 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाए कि मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचने पर 15% लाभ हो। अब यहाँ पे क्या है, ये 23 रुपये प्रति किलोग्राम में प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपको सबसे पहले इस 23 रुपये में से प्रॉफिट को हटाना है, उसके बाद को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लीजिए, जो 23 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल लिखे हैं ना, इसमें 15% लाभ इंक्लूड है। तो क्या करना है आपको, 23 को डिवाइड करना है 115 से, क्योंकि ये वैल्यू कितने की है, ये जो 23 लिखा है ना, ये 115% के इक्वल है। तो 23 को 115 से भाग करिए, फिर हमें निकालना कितना है 100% की वैल्यू। क्रय मूल्य हमारा जो होता है वो 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो आप 123 को डिवाइड करेंगे 115 से और गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 20 रुपये। यानी कि आप बीच में जो वैल्यू रखी जाएगी वो 20 रखेंगे, ठीक है, वो 23 नहीं रखेंगे, वो 20 रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको बिल्कुल वही सिंपल क्वेश्चन बन गया है जैसे पहले था, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर किसी भी यहाँ पे जो वैल्यू होती है मिश्रण वैल्यू होती है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको पहले माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4.20, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 1.50 ये आपका हो जाएगा। तो ये इनको हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे तो 15, 0 से 0 भी कट कर देंगे तो 42, ठीक है। और इसका यहाँ पे रेशो बना लीजिए 3 से कट करके, ठीक है, इसको मैं 3 से कट करूंगा 5 टाइम और इसको 3 से कट करूंगा 14 टाइम। महंगे चावल यहाँ पे अगर पूछा जाता है, पूछा क्या गया है बेचने पर, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम के 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाए। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गया, जो ये वाले सस्ते वाले चावलों का रेशो है वो कितना है भाई, वो रेशो है आपका 14, ठीक है, इन सस्ते वाले चावलों का रेशो है 14 और सस्ते वाले चावल है कितने 70। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ये महंगे वाले चावल कितने मिलाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 14 रेशो के बराबर की वैल्यू रखूँगा तो 17 को डिवाइड करूँगा मैं 14 से और मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा 5 से, क्योंकि मुझे महंगे वाले चावल जो हैं ये 24.20 रुपये वाले चावल इनकी वैल्यू हमें निकालनी है कितने मिलाए जाएंगे। तो 70 को मैं 14 से डिवाइड करूंगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 70 5 बार, 5 की 5 में करेंगे तो 25 किलोग्राम आपका राइट आंसर बन जाएगा,
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है और मैथ का ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है आपका जीके का पोर्शन थोड़ा टफ पड़ सकता है, बट रीजनिंग और मैथ जितनी भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको एक बार ध्यान से देख के जाइएगा, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और मैं जो जीके का पोर्शन है उसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 बजे डेली आपको लाइव टेस्ट मिल रहा है, उसको ज्वाइन करिए, उसको लगाइए और उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। 10 बजे टाइम नोट कर लीजिए, 10 बजे रात को। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं किस टाइम, तो रात को 10 बजे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करके बहुत सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डेली अपडेट और जो भी वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी ज्वाइन कराइएगा और अपने जितने भी फ्रेंड हैं वीडियो भी उनको शेयर कर दिया करें, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। हेल्प करने में और वीडियो शेयर करने में कभी भी कोई नहीं पैसा लगता है और नहीं कुछ ऐसी ये गलत वीडियो है कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाया करें, और अच्छी अच्छी चीज़ें तभी आप तक दूसरे पहुँचाएंगे जब दूसरों को आप शेयर करेंगे, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहिए, आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।